नमस्ते दोस्तों। यदि जिसको हमने माल बेचा है वह इस माल को एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है या मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करता है, तो एट दैट टाइम जो सेलर है वो टीसीएस रेट जो है नील परसेंट लगा सकता है। यदि उसका जो डेटर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अंडर सेक्शन 206C के तहत सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, तो इन द बुक्स ऑफ सेलर बिफोर वी पासिंग द वाउचर एंट्री एट नील रेट वी हैव टू चेंज लेजर ऑफ आवर डेटर। सपोज आवर डेटर इज श्याम, तो हमने इसको चेंज कर दिया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज लोअर और नो कलेक्शन एप्लीकेबल? यस, तो जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली आ जाएगी 206C, तो यहाँ मैंने 0% डाल दिया। अब मुझे इस धारा के अंदर अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, तो मेरी जो वोचर एंट्री है वो बिना टीसीएस के होगी। तो सेल में चला गया शाम, सेल 12% वियतनाम, तो टिम्बर है 7,50,000 का ही है, और इसके ऊपर सिर्फ आउटपुट वैट लगेगा, टीसीएस नहीं लगाना, क्योंकि हमें अपने बायर से धारा 206C का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है एट 0 TCS। तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टीसीएस कलेक्ट कीजिए और गवर्नमेंट को पे करें, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनकम टैक्स टोटल ही गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।